बुधवार की देर रात जिले के सुगौली के रिलायंस ट्रेंड शोरूम मॉल के पीछे की शटर तोड़कर बेखौफ चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। सुगौली थाना पुलिस को इसकी भनक लगते ही गश्त दल को सूचना देकर अलर्ट कर दिया। बाद में एसपी नवीन चंद्र झा के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर चोरी मामले का पटा छेप करते हुए तीन चोरों को चोरी के सामान और दो देसी कट्टा के साथ दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। उनके पास से दो कट्टा के अलावा दो जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक और चोरी किए गए बैग में भरे 28 आइटम कपड़े को बरामद किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी श्री झा ने बताया कि गिरफ्तार तीन अपराधियों में एक लवली कुमार पंजाब के कपूरथला जिले का निवासी है, वहीं अन्य दो में पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़का गांव निवासी राजू कुमार और तीसरा पश्चिमी चंपारण जिले के नवलपुर का रोशन उपाध्याय है। छापेमारी के लिए गठित पुलिस टीम में सुगौली इंस्पेक्टर शशिभूषण ठाकुर, सुगौली थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, पुअनी राजीव कुमार, राम शरण शाह एवं सिपाही महेश कुमार एवं सलीमुद्दीन फरीदी शामिल थे। सर्कल इंस्पेक्टर सुगौली, एसएचओ सुगौली और यहाँ जो दो पदाधिकारी खड़े हैं जो कि प्रोबेशनर राजीव कुमार और रामशरण शाह हैं, इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। तीन चोर को पकड़ा गया। राजीव कुमार ये पश्चिम चंपारण का है, रोशन उपाध्याय ये भी पश्चिम चंपारण का निवासी है और लवली कुमार ये कपूरथला पंजाब का मूल निवासी है, नेपाल भी आता जाता रहता है, अभी पोखरा से आया था। इन तीनों को अरेस्ट किया गया। इन तीनों के पास से जितने भी कपड़े वगैरह चोरी किए गए थे वो बैग में, जैकेट उन लोगों ने पहन भी लिए थे कुछ चुरा करके, वो भी बरामद किया गया है। उसके अलावा उनके पास से दो देसी कट्टा, दो जिंदा गोली, एक मोटरसाइकिल, एक लोहा का खंती और शोरूम से चोरी गए जो 28 कपड़े थे वो सभी बरामद कर लिया गया है। इन लोग ये जो हैं ये पहले भी पंजाब में भी ये लोग जेल जा चुके हैं इसी प्रकार के मामलों में। अभी हम लोगों को केस का डिटेल्स नहीं मिला है लेकिन पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पंजाब में भी कपूरथला से इसी प्रकार के चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं तीनों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।